कोरोना संक्रमण से बचाव का संदेश देने के लिए छात्राएं बना रही हैं दीवारों पर पेंटिंग। नेहरू युवा केंद्र की वॉलंटियर्स ने अजमेर के प्रमुख चार स्थानों पर बनाई पेंटिंग। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर वन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हसबेंड स्कूल कैंपस, अजमेर। मंगलवार को बजरंगढ़ चौराहे पर स्थित विजय स्मारक के पास दीवारों पर 1971 के योद्धाओं को सलाम और कोरोना योद्धाओं को सलाम लिखकर जागरूकता पेंटिंग बनाई गई। नेहरू युवा केंद्र की निकिता, दीक्षा और शिवानी ने बताया है कि वे अब तक शहर के चार प्रमुख स्थानों पर अलग अलग संदेश देती हुई पेंटिंग बना चुकी है। उनका मानना है कि इन पेंटिंग्स को देख और पढ़कर लोग कोरोना से बचाव के लिए जागरूक होंगे, जिसमें बताया गया कि मास्क लगाना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बार बार हाथों को सैनिटाइज करें और भीड़ से बचें। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड 19 के मुश्किल दौर में BA, BEd, BSc, BEd, BA, LLB, BPT, BPharma और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। अंदर में आज आपने ये पेंटिंग बनाई है, क्या उद्देश्य, क्या मोटिव है आपका? जी, इस पेंटिंग को बनाने का हमारा ये उद्देश्य है कि हम समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अभी कोरोना की वैक्सीन नहीं आई है, तो मास्क का जितना हो सके प्रयोग करें, बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। उसके द्वारा हम ये पेंटिंग से मैसेज देना चाहते हैं। इससे पहले हमने बस स्टैंड पे, पुलिस लाइन में, रीजनल कॉलेज के बाहर और आज हम बजरंगढ़ चौराहे के यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं। यहाँ पेंटिंग बनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि ये एक ऐतिहासिक स्थान है, यहाँ पे 1971 की जो लड़ाई हुई थी उसका ये ऐतिहासिक स्थान है, तो इसीलिए हमने इसी स्थान को चुना पेंटिंग के लिए। जी, हम नेहरू युवा केंद्र संगठन की, मैं नेशनल यूथ वॉलंटियर हूँ। मैं कितना टाइम से बना रहे हो आप, कितनी पेंटिंग बना चुके हैं? जी, हम टोटल चार पेंटिंग बना चुके हैं। कहाँ कहाँ पर बना चुके? एक बस स्टैंड पे बनाई है हमने, पुलिस लाइन में, रीजनल कॉलेज में और एक चौथी हमारी ये बजरंगढ़ पे। मैसेज किस तरह का मैसेज दिया है हमने पेंटिंग में, क्या क्या बनाया है? ये हमने एक व्यक्ति को मास्क पहनाया है कि यदि आप मास्क पहनेंगे तभी आप वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। आपका नाम? निकिता सिंधी। आपने पेंटिंग बनाई है, क्या उद्देश्य आपका पेंटिंग का? हमने आज बजरंगढ़ चौराहे पर जो हमारे पाकिस्तान से जीता गया टैंक यहाँ बजरंगढ़ चौराहे पर रखा गया है, इसके यहाँ पे वॉल पेंटिंग बनाई है। इससे ये संदेश मिलता है कि हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। जब तक हमारी वैज्ञानिक वैक्सीन नहीं ढूंढते तब तक हमें इससे लड़ना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना चाहिए। किस तरह से लोग यहाँ से जब आएंगे जाएंगे तो इस पेंटिंग को देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? उन्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मास्क का उपयोग किया गया है और यहाँ पे स्लोगन लिखे गए हैं जिसमें लिखा है हमें कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी तक कितनी पेंटिंग बना चुके? हमने पहले भी कई पेंटिंग बनाई है, बस स्टैंड, वैशाली नगर और आज हमने यहाँ बजरंगढ़ सर्कल पे बनाया है। कितने जनों की टीम लगी हुई है आज? ये हम तीन जनों की टीम है। क्या क्या नाम? निकिता दीदी, दीक्षा और मैं शिवानी। आपका नाम? शिवानी।